गरीब कचरे वाले की रसोई। हेमलता शाम के वक्त एक बोरे में कचरा बीनते हुए वापस अपने घर की ओर लौट आती है। उसके घर में कचरा पड़ा होता है क्योंकि उसकी झोपड़ी कचरे के ढेर के पास ही थी। आखिरकार दिन भर कूड़ा कचरा बीनने के बाद मैं अपने घर पर लौट आई। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम दोनों? माँ हम यही है। हम पढ़ाई कर रहे थे। अच्छी बात है तुम दोनों पढ़ाई कर रहे हो। तुम जानते हो ना, हमें इस गरीबी से बाहर निकलना है, जिसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। तुम दोनों अच्छे से पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लाती हूँ। हेमलता रसोई में जाती है जहाँ चारों तरफ कूड़ा कचरा पड़ा होता है। वो एक झाड़ू उठाती है और झाड़ू से थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा वहाँ से साफ कर देती है। हेमलता खाने के लिए कुछ बनाती है और अपने बच्चों के लिए ले जाती है, जिसके बाद वो सभी खाना खाते हैं। और राजू कहता है, माँ मुझे बहुत गंदी बदबू आ रही है इस कूड़े कचरे की। रोज रोज खाते समय ये गंदी बदबू बहुत बुरा लगता है माँ। हम कब एक अच्छे से साफ सुथरे मकान में रहेंगे? जब तुम दोनों पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे और अच्छी नौकरी करने लगोगे, उसके बाद हमारी सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हेमलता एक तरफ कूड़ा कचरा बीनती है तो दूसरी तरफ से अपने बच्चों को पढ़ा रही होती है। उसकी इस गरीबी के चलते राजू और रेखा को स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता था। अरे हटो यहाँ से हटो, कूड़ा कचरा बीनने वाले के बेटे हमारे डेस्क पर नहीं बैठ सकते। अगर बैठना है तो नीचे बैठो। चल राजू, हम पीछे वाले डेस्क पर बैठ जाएंगे। राजू और रेखा अपनी कक्षा में सबसे पीछे बैठा करते थे, लेकिन वो हमेशा मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ हेमलता का कूड़े कचरे का काम भी सही से नहीं चल पा रहा था। अरे तुम ये कैसा कूड़ा कचरा बीन कर लाती हो? अगर सही से कूड़ा कचरा बीन कर नहीं लाओगी तो मैं तुम्हें ढंग से पैसे नहीं दूंगा, और इस कूड़े कचरे के बस यही पैसे बनते हैं। अरे भाई साहब ऐसा मत करो, मैं जितना कूड़ा लेकर आती हूँ इतना कूड़ा तो कोई भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी तुम हमारे कूड़े कचरे में कमी निकालते ही रहते हो। देखना ज्यादा भंगाइबाजी नहीं कर सकता, अगर तुझे भी ये पैसे चाहिए तो रख ले, वरना मैं तेरा कूड़ा नहीं खरीदूंगा। हेमलता थोड़े से पैसों को ले लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से अपने कूड़े का बोरी उठाती है और घर की तरफ लौट आती है। लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा होता है। हे भगवान, कूड़ा कचरा तो सही से बिका ही नहीं, ऊपर से मुझे पैसे भी कम मिले हैं। अब इन पैसों से मैं राशन कैसे लाऊं, या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किताब। हेमलता ऐसा सोचते हुए कुछ ही दूरी पर चलती है कि तभी उसकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ती है। वो आदमी एक होटल का वेटर होता है, जो होटल का बचा हुआ खाना कूड़े कचरे के पास लाकर फेंक देता है। हेमलता उस आदमी के वहां से चले जाने के बाद उस कूड़े कचरे में से साफ सुथरा खाना किसी तरह निकाल लेती है और बचे हुए पैसों से कॉपी किताब लेकर घर आ जाती है। माँ आज खाने में क्या बनाओगी? हम सुबह से भूखे हैं, रसोई में खाने का एक दाना तक नहीं है। माँ आज टीचर ने हमें पूरे दिन क्लास से बाहर ही रखा था, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं थी। हेमलता लाया हुआ खाना रसोई में जाकर अपने चूल्हे को जलाती है, उसे गर्म कर लेती है, जिसके बाद वो उस खाने को अपने बच्चों को दे देती है और उन्हें किताबें भी देती है। ये लो मैं तुम्हारी किताबें ले आई हूँ, अब खाना खा लो और उसके बाद अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद तुम दोनों ही हो। राजू और रेखा पेट भर कर खाना खा लेते हैं और फिर पढ़ाई करने लगते हैं। ऐसे ही हेमलता कूड़ा कचरा बीनते बीनते अपने दोनों बच्चों को बड़ा कर देती है, जिसके बाद दोनों की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है, लेकिन दोनों नौकरी के लिए धक्के खा रहे होते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी रेखा, तुम्हारा तो आज इंटरव्यू था, क्या तुम्हें जॉब मिली या नहीं? नहीं माँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिली। तभी वहाँ राजू आता और कहता है, माँ दीदी ये लो मुंह मीठा करो, आप दोनों को खुशखबरी देनी है, मेरी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। माँ राजू के मुंह से ये बात सुनने के बाद रेखा और हेमलता दोनों ही बहुत खुश होती हैं। माँ अब आपको कूड़ा कचरा बीनने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही मेरी महीने की पहली तनख्वाह मिलेगी मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में से आप दोनों को निकाल कर एक अच्छे मकान में ले जाऊंगा। जैसा कि राजू ने कहा था कि वो अच्छी खासी कंपनी में काम करता है और पहले महीने की तनख्वाह से वो एक मकान किराए पर ले लेता है, जिसमें वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जब तक रेखा को नौकरी नहीं मिलती वो अपने आगे की और पढ़ाई करने लगती है। और एक दिन हेमलता राजू से कहती है, देखो राजू बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन रेखा तो अभी अपनी पढ़ाई कर रही है और उन्हें पढ़ाई करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम शादी कर लो, शादी करके तुम्हारी जिम्मेदारी तो मेरे सर पर से हट जाएगी। राजू हेमलता की बात मान लेता है, जिसके बाद हेमलता एक अच्छी सी लड़की देखकर राजू की शादी कर देती है। लेकिन शादी के बाद राजू का ध्यान दो जगह बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी रीना उसे हमेशा अपनी माँ और बहन के लिए कुछ भी करने से रोका करती थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ
तब से मैं देख रही हूँ कि तुम सारा का सारा पैसा अपनी बहन रेखा की पढ़ाई पर ही लगाते हो। अरे अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो? आने वाले समय में जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो क्या वो गरीबी को झेलें? और ऊपर से तुम्हारी माँ जब देखो बीमार ही रहती है। रीना तुम ऐसा क्यों कहती हो यार? तुम्हें नहीं पता कि मेरी माँ ने कितने कष्ट झेलने के बाद मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। आज अगर हमारी माँ ने हमारी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई होती ना, तो पता नहीं हमारा क्या होता। बस बस बहुत हुआ, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के किस्से सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे और नहीं सुनना। अगर तुमने और अपनी बहन की पढ़ाई में और अपनी माँ की दवाई में पैसा लगाया तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। उस दिन के बाद से राजू बहुत मजबूर हो जाता है और अपनी बहन और अपनी माँ की दवाइयों में पैसा लगाना धीरे धीरे कम कर देता है। अरे भैया, मेरे कॉलेज की फीस नहीं भरी तुमने? तुम्हें तो पता ही है दीदी, मैं अकेले कमाने वाला हूँ और घर के खर्चे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हारी फीस कहाँ से भरूंगा? फीस ना सही, माँ की दवाई तो ले आओ भैया। जितनी भी तनख्वाह आई थी वो सभी मैंने लेने देने में खत्म कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं दवाई कहाँ से लेकर आऊंगा? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो? ये सुनते ही रेखा को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने भाई से कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही अब उन दोनों की बहुत ज्यादा बेकदरी हो जाती है और रीना भी उनके ऊपर जुल्म करने लगती है। एक दिन रीना राजू से कहती है, देखो तुम्हारी माँ और बहन कुछ नहीं करती, और अब तुम्हारी बहन की शादी भी तुम्हारी माँ तुम्हारे सर पर ही थोप देंगी, इसीलिए हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। अपनी पत्नी की बात मानकर राजू रीना को लेकर अलग रहने लगता है, जिसके बाद हेमलता और रेखा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और हेमलता फिर से कूड़ा कचरा बिन कर अपना गुजारा करने लगती है। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें फिर से वही वापस आना पड़ेगा, वही गरीबी और वही गरीब की रसोई जहाँ चूल्हा जलता ही नहीं। धीरज रखो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कूड़ा बेचने के बाद जो पैसे बचते हैं, हेमलता उनमें से घर का थोड़ा सा राशन ले आती है, जिसके बाद रेखा रसोई में जाकर खाना बनाती है। दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कूड़े कचरे में पड़े न्यूज़पेपर पर रेखा को एक नौकरी का इश्तिहार दिखाई देता है। ये मेरी आखिरी उम्मीद है, एक बार इंटरव्यू देकर आती हूँ, इसके बाद देखती हूँ क्या होगा। रेखा इश्तिहार देखकर इंटरव्यू देकर आती है, जिसमें वो पास हो जाती है और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ की जॉब मिल जाती है। उसी कंपनी के अंदर उसका भाई एम्प्लॉय होता है और अपनी बहन को अपना सीईओ देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे बहना, तुम इस कंपनी की सीईओ कब बन गई? रेखा राजू को सब बताती है, जिसके बाद राजू को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं धीरे धीरे जहां हेमलता और रेखा दोनों ही टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी थी, अब वो एक अच्छे से बंगले में रहने लगती है, जहां हेमलता रसोई में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपनी बेटी को खिलाती है। आज मेरा सपना पूरा हो गया, मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों ही अपनी जिंदगी में कामयाब है, और मुझे मेरी भरपूर रसोई भी मिल गई। इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए था। वो पूरा परिवार अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक गांव में गंगा नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी तीन विधवा बहुओं के साथ रहती थी। माँ, तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोल बेटा, मेरे तीन बच्चे तो अपनी माँ से भी पहले इस दुनिया से चले गए, अब तुम दोनों ही मेरा आखिरी सहारा हो। बोल, तुझे क्या कहना है। माँ, हम दोनों को ही दो लड़कियों से प्रेम हो गया है और हम उनसे शादी करना चाहते हैं। सच? पर कौन है वो खुशनसीब देवर जी? वो यहीं पास के शहर में ही रहती है। शहर की लड़कियाँ? ना बाबा ना, शहर की लड़कियों के तो बड़े नखरे और खर्चे होते हैं। अब मान भी जाओ ना माँ। हाँ माँ, अगर हमारे देवर उन लड़कियों को पसंद करते हैं तो मान जाओ। हाँ, अब हमारे दोनों देवर भी शादी के लायक हो गए हैं, तो अगर उनकी शादी उनकी पसंद की लड़कियों के ही साथ हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई। गंगा अपने दोनों बेटों की शादी शीला और मीना के साथ करवा देती है। गंगा की तीनों विधवा बहुओं ने पूरे घर को बड़े ही अच्छे तरीके से संभाल रखा था, लेकिन मीना और शीला के आने से घर में थोड़ा कलेश का माहौल बनना शुरू हो गया था। नानी भाभी, नानी भाभी। हाँ बोलो मीना, क्यों चिल्ला रही हो? भाभी, माँ ने मुझे हमारी गाय की गौशाला धोने को बोला है। हाँ तो? जाइए, जाकर आप धो दीजिए। लेकिन आज मम्मी जी के मामा जी घर पर आ रहे हैं और मैं उनके आने की ही तैयारियाँ कर रही हूँ। हाँ तो, अगर आप कर भी रही हो तो क्या मुझ पर कोई एहसान कर रही हो? मैंने ऐसा कब कहा?
मैं वो गौशाला नहीं धोने वाली हूँ, बस। धानी बेचारी खुद ही गौशाला साफ कर देती है। चलो ये भी साफ हो गई, अब बस मामा जी भी आते ही होंगे। मामा जी आ जाते हैं, सारी बहुएं मिलकर उनका स्वागत बहुत अच्छे से करती हैं। अरे भाई गंगा, तुम्हारी दोनों नई बहुओं से तो मिलवाओ। हाँ क्यों नहीं, अभी मिलवाती हूँ। मीना, शीला। हाँ आ रही हूँ मम्मी जी, आई। दोनों सुहागन बहुएं बहुत सज धज के मामा जी के सामने आती हैं। नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आओ बहू, आओ आओ आओ। अरे अब देखते ही रहोगी बहुओ, जाओ मामा जी के लिए कुछ खाने को तो ले आओ। अभी लाई माँ। शीला अमला का बनाया हुआ खाना अपने हाथों से मामा जी को परोसती है। अरे भाई वाह, खाने का तो जवाब ही नहीं है भाई। गंगा तेरी दोनों बहुएं तो लाजवाब हैं, मजा आ गया भाई। मामा जी चले जाते हैं। तीनों विधवा जेठानियों को बहुत बुरा लगता है क्योंकि सारा काम तो उन्होंने किया था। तीनों जेठानियों की अब घर में बस नौकरानियों जैसी हालत थी। सास गंगा भी बस अपनी सुहागन बहुओं को ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन मीना और शीला भरी गर्मी की दोपहरी में अपने कूलर वाले कमरों में पड़ी आराम फरमा रही थी। शीला, बाहर बहुत सारे कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं, जाकर धो दो। क्या, मैं कपड़े धोऊं? बिल्कुल नहीं, इतनी गर्मी में मैं कोई कपड़े वपड़े नहीं धोने वाली, इतनी तेज धूप में मेरा रंग काला पड़ जाएगा। ये क्या बात हुई? हाँ भाभी, आपको तो अपने रंग रूप की कोई परवाह नहीं होगी क्योंकि आप तो विधवा हो ना। बस अब बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, जाओ जाकर कपड़े धो। तुम होती कौन हो मुझसे ऐसा कहने वाली? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुमसे बड़ी हूँ, तो इसलिए जो भी मैं कहूँगी तुम्हें मानना पड़ेगा, समझी? तुम मेरी जेठानी, मुझसे बड़ी? तुम सिर्फ इस घर में एक नौकरानी की तरह हो। तुम तीनों के जब पति ही इस घर में नहीं रहे तो फिर आप यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? मीरा को शीला की बातें अंदर से बिल्कुल तोड़ देती हैं। तो वहीं उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर गंगा और दोनों जेठानियाँ धानी और अमला वहाँ आ जाती हैं। अरे क्या हुआ, क्यों लड़े जा रही हो? क्या हुआ मीरा? ओहो, तुम सभी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, हमेशा लड़ाई लड़ाई। अरे मिलजुल कर साथ साथ नहीं रहा जाता तुमसे? माँ, आज मेरी देवरानी शीला ने मुझे मेरी असली जगह दिखा दी। क्या बात हुई है तुम्हारे बीच मीरा और शीला? कोई कुछ बताओ तो सही। हाँ, नहीं है मेरे पति अब इस दुनिया में। हाँ नहीं हूँ मैं अब सुहागन, पर हूँ मैं इस घर की बड़ी बहू ही, कोई नौकरानी नहीं हूँ मैं। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। घर में लड़ाई ही चल रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे तुम यहाँ लड़ती रहो, मैं तो जाकर देखती हूँ कि कौन आया है। दरवाजा खोलते ही गंगा हैरान रह जाती है। अर्जुन, नकुल, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मेरे बच्चों बताओ क्या बात है? गंगा की आवाज़ सुनकर सभी भागते हुए नीचे आते हैं और सभी बहुत चौंक जाते हैं। देवर जी, ये सब कैसे हुआ? आपकी ये हालत कैसे हो गई? नकुल और अर्जुन दोनों की ही बाजू और टांगों पर पट्टियाँ थी, ये देख सभी हैरान थे। अर्जुन जी, आपकी ये हालत कैसे हुई, कुछ तो बताइए। मैं और नकुल, हम दोनों अपनी दुकान पर जा ही रहे थे कि अचानक हमारी टक्कर एक गाड़ी से हो गई। वो तो भगवान का शुक्र है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और उन्होंने हमें देख लिया और पास के अस्पताल में ले गए। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम इस दुनिया में नहीं होते। मेरे बच्चों, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। इसीलिए तो कहते हैं कि वक्त का कुछ भी पता नहीं होता। कभी भी अपने ऊपर इंसान को इतना घमंड नहीं करना चाहिए जैसे कि वो खुद ही इस पूरी कायनात का मालिक हो। मौत जिंदगी हमारे हाथों में थोड़ी ही है, और कहा जाता है कि हम जैसा सुलूक इस दुनिया के साथ करते हैं पलट में वो ही हमें मिलता है। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी जी। मीरा की बात सुनकर मीना और शीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी होती हैं। मुझे माफ कर देना भाभी जी, मैंने हमेशा आपको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ, सुहागन होना हमारा सौभाग्य है, लेकिन भगवान को एक सुहागन को एक विधवा में बदलने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता। आज नकुल और अर्जुन जी के साथ हुए हादसे ने हमारी आंखों को खोल दिया है, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। चलो अच्छा है, तुम्हें समझ तो आया।
इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। सुहागन और विधवा तो बस शब्द है जो औरत के लिए इस दुनिया ने बना दिए है, वरना इंसान तो सभी एक जैसे ही है। लगता है देवर जी आपकी बीवियां समझ गई है, अब आप ही बस कीजिए। नकुल और अर्जुन अपनी पट्टियों को निकाल कर फेंक देते हैं। आप ठीक हो? आपने चोट लगने का नाटक किया, लेकिन क्यों? भाभी ने हमें ऐसा करने को बोला था ताकि तुम दोनों समझ जाओ, इसीलिए हमने ऐसा किया और लगता है कि तुम्हें सब कुछ समझ आ भी गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो, और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मैं भी। शीला और मीना की नजरें झुकी हुई थीं। उन्हें अपनी गलतियों का बहुत पछतावा था, लेकिन इसी के साथ वो सब कुछ समझ भी गई थीं। वो दोनों अब खुशी खुशी अपनी जिठानियों के साथ घर के सारे काम कराती और सभी खुशी से एक दूसरे के साथ रहते।